गुड आफ्टरनून कमलेश। तो ये जो अपनी क्लास है आज की, ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अपना कोर्स है एमएससी का, उसके अंदर होता है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, या फिर जिनकी एनुअल स्कीम है उनके एमएससी फाइनल में जो है ये चलता है। तो वॉइस क्लियर है एकदम? चलिए, गुड आफ्टरनून शुभम। तो शुभम, अगर तेरे एमएससी का ग्रुप है कोई तो उसके अंदर एक बार शेयर कर दे, अगर तेरे तेरे दोस्त वगैरह हैं तो। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ये जो पेपर है ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में चलता है, एमएससी के अंदर चलता है। जिनकी सेमेस्टर स्कीम है उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, और जिनके एनुअल स्कीम है उनके क्या चलता है, फाइनल ईयर में चलता है। लेकिन कुछ इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी जो है अपना सिलेबस जो है कॉमन है। तो अगर आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस में थोड़ा वेरिएशन होता है, किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है, किसी के थर्ड में चलता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपके सिलेबस में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कोर्स है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, रोज ये यूट्यूब पे इसी टाइम पे होगा 2:30। अब देखो अपना जो पेपर है वो क्या है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अच्छी तरीके से परिचित हो, ठीक है। माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव पे डिस्कस करने से पहले अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि जितना भी एक ईएम वेव का स्पेक्ट्रम की बात करें तो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव से पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, ईएम वेव की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। और आप ईएम वेव के बारे में काफी पढ़ भी चुके होंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, ऑप्टिक्स में भी आ जाता है ईएम वेव की डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो एक बार अपन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो ईएम वेव क्या होता है, टाइम वेरिंग फील्ड होते हैं इसके अंदर। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ बदलने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे जो टाइम के साथ बदलेंगे, और साथ के साथ वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कौन परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ईएम वेव कंजिस्ट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन साथ के साथ ये जो दोनों हैं ये वेव वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होंगे। किसके परपेंडिकुलर होंगे, वेव वेक्टर के। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव वेक्टर के परपेंडिकुलर एक केस में नहीं होता है, कब, जब मीडियम नॉन आइसोट्रोपिक हो जाए। कैसा हो जाए, नॉन आइसोट्रोपिक। अगर आप फ्री स्पेस की बात करते हो तो भी ये होल्ड हो जाएगा, फ्री स्पेस में भी होल्ड हो जाएगा ये, प्लस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक में भी होल्ड हो जाएगा।
लेकिन अगर अपन नॉन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की बात करें, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा किसके, वेव वेक्टर, या फिर ऐसे लिख दो, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हालांकि अपन ईएम वेव में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लेक्चर में मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उस लेक्चर की, जिसमें प्रूव किया गया था कि नॉन आइसोट्रोपिक अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर ये चीज क्या नहीं होगी, परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, जिसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया है अपन ने। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आइसोट्रोपिक का मतलब जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, है ना, म्यू आर, एप्सिलॉन आर हो गया, अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग आ रहे हैं तो मीडियम हो जाएगा नॉन आइसोट्रोपिक, और सेम आ रहे हैं सभी डायरेक्शन में तो आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये आप ईएम वेव समझ गए कि ठीक है ईएम वेव है। एक और चीज, ईएम वेव क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है, ये ध्यान रखना, हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को कैरी करेगा। तो एनर्जी डेंसिटी, पॉइंटिंग वेक्टर, बहुत सारी चीजें अपन डिफाइन करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ अपने को इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, अपने को आना है माइक्रोवेव के ऊपर। तो आपको पता है जो स्पेक्ट्रम होता है, ईएम वेव स्पेक्ट्रम जो होता है, ये बेसिकली 7 डिफरेंट रीजन्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। ये 7 पार्ट हो गए किसके, टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। ये आपने पढ़ा हुआ होगा अच्छे से। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जब आप यहाँ से इस तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब बेसिकली एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे मतलब हाई एनर्जी होता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट रेडियो वेव से लेके और अल्ट्रावायलेट के कुछ रीजन तक, इसको कंबाइंडली कहते हैं नॉन नॉन आयनाइजिंग स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है तो आयनाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये, अब ये जो पार्ट है, ये क्या आ गया है, स्पेशली एक्सरे और गामा रे, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी तो आयनाइज कर सकता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन आयनाइज स्पेक्ट्रम या आयनाइजिंग स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ठीक है, अपने को किसकी बात करनी है, अपने को बात करनी है माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव, सबसे पहले रेडियो वेव पे चल रहा था सारी चीजें, रेडियो वेव से चल रही थी, रेडियो सिग्नल से रेडार चलता था जो कि सर्वेलेंस में यूज होता था, मिलिट्री ऑपरेशन में यूज होता था, धीरे धीरे अपन आएंगे डिटेल से। लेकिन उसके बाद माइक्रोवेव आया, और जो माइक्रोवेव के लिए जो रीजन है वो बेसिकली कहाँ से दिया जाता है, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ये जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की, इस रेंज में जो स्पेक्ट्रम है उसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोवेव, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ बुक्स के अंदर इसको कहाँ से रेफर कर दिया जाता है, 3 गीगाहर्ट्ज से ले लिया जाता है, मतलब ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, 3 गीगाहर्ट्ज से कहाँ तक, 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, अच्छा, अब देखो आप ये पता होगा कि हर्ट्ज क्या है, हेनरिक हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने 1886 के अंदर, शायद 1886 के अंदर सबसे पहले जो है रेडियो सिग्नल्स को भेजा था किसी डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने, अगर लार्ज डिस्टेंसेस की बात करें तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए किसने बताया था, मार्कोनी ने। लेकिन शुरुआत की बात करें अपन तो किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, ठीक है, तो माइक्रोवेव क्या है, टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसमें
300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक जो रेंज आएगी वो क्या होगा, माइक्रोवेव होगा। ये लिखवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली रफली आप ये नोट बना लीजिए, अगर किसी को किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बार इसको रफली नोट कर लीजिए, फिर अपन माइक्रोवेव पे आएंगे और माइक्रोवेव को इंट्रोड्यूस करेंगे कि माइक्रोवेव किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ और किस रीजन के अंदर ये ज़्यादा डेवलप होता चला गया है, ठीक है। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, एक बार रफली ये नोट कर लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक मैं आपके कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ। आफरीन, हाँ ये फिजिक्स नेट में नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। फिजिक्स नेट में अगर आपको पढ़ना है ये, तो अपन इसके क्या कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़ सकते हैं और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी सीएसआईआर नेट में माइक्रोवेव से क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। जैसे मोड, टी मोड, टीएम मोड, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, गाइड वेवलेंथ, ये सब अपन डिस्कस करेंगे और वहां से क्वेश्चन आ जाता है सीएसआईआर नेट के अंदर। हेलो विकास, तो ये आपको रफली नोट करना है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब इसके आगे अपन माइक्रोवेव स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो चलो, वेरी गुड आफ्टरनून रोहित। तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उससे पहले माइक्रोवेव डिफाइन कर देते हैं। माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ आर माइक्रोवेव्स, ठीक है। और वेवलेंथ रेंज इज 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, देन ईएम वेव्स आर माइक्रोवेव्स। तो देखो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। अभी जो मैंने वेवलेंथ निकाला है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, या फिर आप लेमडा इक्वल्स टू सी अपॉन एफ। तो इस रिलेशन का यूज करके मैंने वेवलेंथ की रेंज लिखी है, मतलब ये जो वेवलेंथ की रेंज है
ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज के कोरस्पोंडिंग ही लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो ये माइक्रोवेव आ गया। अब बात आते कि यार माइक्रोवेव कब से डेवलप होने लगा, क्योंकि अगर अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो ज़्यादातर काम रेडियो सिग्नल पे होते थे, यानी कि रेडियो वेव पे होते थे। तो उनकी वेवलेंथ क्या थी, ज़्यादा थी और फ्रीक्वेंसी कम थी भाई, इनसे फ्रीक्वेंसी कम थी। तो इनका जो नाम दिया माइक्रोवेव, इसका भी रीजन यही था कि रेडियो वेव के बाद जब डिस्कवरी हुई माइक्रोवेव्स की, मतलब इनको जनरेट करने के लिए जनरेटर बने, कि ठीक है ऐसे डिवाइसेस बना ली जो माइक्रोवेव जनरेट कर सकती थी। अब क्योंकि इनका वेवलेंथ रेडियो वेवलेंथ से क्या था, छोटा था, रेडियो वेवलेंथ से छोटा था, माइक्रो का मतलब छोटा, तो इन्होंने उसका नाम भी क्या दे दिया, माइक्रोवेव, कि भैया ये रेडियो वेव से छोटी वेवलेंथ है तो आप इसको क्या कह दो, माइक्रोवेव कह दो, और यहां से इसका नाम पड़ गया माइक्रोवेव। अब हो क्या रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, काफी डिस्ट्रक्शन हुए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तैयारी पे था, मतलब कोल्ड वॉर चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, ठीक है ना, बिल्कुल सबने घोड़े कस रखे थे, इधर से यूएसए, उधर से रशिया, रशिया उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब क्या कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इन्होंने महसूस किया कि जो अपना रेडार है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडार, स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेडार, तो रेडार पहले क्या करता था, अब जो फिलहाल जो रेडार्स हैं वो रेडियो सिग्नल प्लस माइक्रोवेव सिग्नल दोनों पे काम करते हैं। लेकिन अगर अपन पहले की बात करें, यानी कि जब माइक्रोवेव डिस्कवर नहीं हुई थी तब की बात करें, तो रेडियो सिग्नल से ही रेडार यूज किया जाता था। तो इन सारी कंट्रीज को जो कि महसूस कर रहे थे कि अपने कुछ टेक्नोलॉजी अप करनी है, थोड़ा आगे जाना है, तभी अपन जीत पाएंगे वर्ल्ड वॉर, तो डिस्कवर हुआ माइक्रोवेव। और रेडार को किससे वर्क कराने लगे, माइक्रोवेव से, क्योंकि माइक्रोवेव क्या था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, ज़्यादा एनर्जी थी इसके अंदर, जबकि रेडियो की क्या होती है, एनर्जी कम होती है तो जल्दी से मतलब लॉस हो जाएगा, अगर अपन ज़्यादा रेंज की अगर बात करना चाहें, ठीक है। तो इन कंपेरिजन माइक्रोवेव रेडियो वेव में क्या होती है, एनर्जी कम होती है। तो फिलहाल जो रेडियो है, रेडार है, वो माइक्रोवेव रेडियो वेव दोनों पे काम करता है, पहले सिर्फ किस पे काम करता था, रेडियो वेव्स पे। अब देखो काम कैसे करता है रेडार, स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें होता है एक ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से सिग्नल जाते हैं किधर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर जाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के जाने के बाद होता क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ रिफ्लेक्ट करेगा सिग्नल्स को, कुछ को स्कैटर कर देगा, फैला देगा, और कुछ को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये सिग्नल, रिफ्लेक्टेड सिग्नल वापस जब आते हैं, तो एक रिसीवर लगा होता है। अब फिलहाल जो एंटीना है उनमें ऐसी कॉन्सेप्ट भी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही जगह लगा दिया जाता है, लेकिन मान लो रिसीवर दूसरी जगह भी लगा दो आप, तो रिफ्लेक्टेड सिग्नल जब रिसीवर से लिए जाते हैं, अब सिग्नल जब रिफ्लेक्ट होगा, सिग्नल जब रिफ्लेक्ट होगा, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है या पास आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जब इससे फ्रिक्वेंसी जो है, मतलब जो आपकी वेव थी, वो टकरा कर जब वापस आएगी, तो डोपलर इफेक्ट की वजह से, किस इफेक्ट की वजह से, डोपलर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा कुछ ना कुछ। अरे भाई चेंज होगा या नहीं होगा, डोपलर इफेक्ट की वजह से, डोपलर इफेक्ट पढ़ा हुआ होगा ना, अगर मान लो सोर्स यानी कि जो जनरेट कर रहा है वेव और ऑब्जर्वर, उन दोनों के अंदर कोई रिलेटिव मोशन हो तो डोपलर इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है, ये डिटेल में डोपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो डोपलर इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और भी जो रिसीवर रिसीवर है, ये जब रिसीव करेगा तो ये उस चेंज को ही क्या करेगा, मीजर करेगा, और पता चलेगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहा है या दूर जा रहा है। जैसे मान लो अपनी कंट्री है, बाहर से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है जो मिसाइल लेके आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही अपना रेडार यहाँ पे ऑन है, वो बता देगा कि हाँ इतनी रेंज पर एक क्या है, एक एयरक्राफ्ट आ रहा है। अब अपन उसकी पहचान करेंगे, अपने देश का तो ठीक है, दूसरे देश का तो उसको तुरंत क्या भेजा जाएगा, वार्निंग भेजी जाएगी कि भैया आप गलत टेरिटरी में घुस रहे हो, ये आप कहाँ आ रहे हो, ठीक है। सेम चीज अच्छा सिर्फ सिविल यूज में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री पर्पज में किया जाता है, आजकल एयरबोर्न रेडार आ गए हैं भाई, पहले जो रेडार थे वो धरती पर रहते थे, कहीं स्टेशनरी जगह लगाए जाते थे, आजकल एयरबोर्न रेडार होते हैं। एयरबोर्न रेडार क्या होता है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है उसके अंदर लगा दिया, ठीक है, या फिर जो अपने अटैक करने के लिए जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर लगा दिया, तो ये क्या करता है, उस प्लेन के अंदर है जो आगे मान लो दुश्मन पे अटैक करने जा रहा है, तो उसके आसपास कुछ आता है, दूसरा कोई प्लेन आता है कंट्री का, तो ये रेडार सिस्टम से बता देगा कि हाँ भाई तेरे आसपास और भी प्लेन्स हैं। तो एयरबोर्न रेडार क्या होता है, ये हवा में होता है खुद, यानी जैसे एयरक्राफ्ट अपना कोई एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ा, ठीक है, उड़ा तो
उसमें भी होगा ताकि वो पता लगा सके कि उसके आसपास कोई और तो नहीं है। पता चला वो नीचे मारने के चक्कर में था और उसको हवा में कोई और ही मार गया, है ना। तो एयरबोन रेडार क्या होते हैं, मतलब बेसिकली ये खुद मूवेबल होते हैं, एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेडार कैसे काम करता है, सिग्नल भेजा, जब वापस आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, उस चेंज के हिसाब से रिसीवर क्या करता है, एक ग्राफ ड्रॉ कर देगा, एक पैटर्न ड्रॉ कर देगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, इतनी स्पीड से वो अपनी तरफ आ रहा है या इतनी स्पीड से अपने से दूर जा रहा है। सिविल में भी ऐसे यूज करते हैं फिलहाल। अब और क्या यूज है, जैसे अपन बात करें किसकी, आप ड्राइवर लेस कार के बारे में सुनते हो, ड्राइवर लेस कार। तो ड्राइवर लेस कार मतलब ड्राइवर है ही नहीं। अब ड्राइवर नहीं है तो कार को कैसे पता चलेगा कि भैया एक्सीडेंट होने वाला है। तो ड्राइवर लेस कार में जो सेंसर लगाए जाएंगे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, वो सब किस पे बेस्ड होंगे, माइक्रोवेव पे बेस्ड। तो ये माइक्रोवेव का स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ लिया ही लिया था, कुछ ना कुछ दिया भी था। और सिर्फ माइक्रोवेव ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो फिजिक्स थी, जो रिसर्च थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। सब कंट्री चाहते थे कि हम लोग हाईटेक हो जाएं ताकि हम दूसरे लोगों से आगे निकल जाएं। माना कि उनका मोटिव गलत था, उनका मोटिव गलत था, ठीक है, उनका मोटिव वॉर था, लेकिन फिलहाल तो फायदेमंद है चीज़ें, क्योंकि अपना जो एयरबोन रडार बना उससे सिर्फ मिलिट्री पर्पज थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो पैसेंजर जो एयरप्लेन होते हैं उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो उनका मोटिव गलत था, लेकिन धीरे धीरे मतलब जो कंट्रीज को लगा कि यार अपने को और माइक्रोवेव पे और डेवलप करना है, और डेवलप करना है, और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली गई। और एक मान लो 1930 के बाद, यानी 1930 के बाद एक रेवोल्यूशन आया, उसी के बाद ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब बने, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स वगैरह, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे। तो ये था कि किस तरीके से जो है ओरिजिनेट हुआ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की डेफिनेशन हो गई, और ये पता चल गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले से जब देशों को लगा, कंट्रीज को, कि यार हमें अपग्रेड होना है, हमें अपग्रेड होना है, तब जाके माइक्रोवेव पे रिसर्च बढ़ी। और उस टाइम पे जो दो लैब्स में एक साथ काम चल रहा था, एक बेल लैब्स, एक एमआईटी लैब्स, एमआईटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सोवियत यूनियन था वो अपना सेपरेट काम कर रहा था भैया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मली कि ठीक है यार आप समझ रहे हो कि कहाँ पे यूज़ अपन कर रहे हैं इसको, मतलब कि सर हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इसको रेडार में यूज़ कर रहे थे, और उसका जो स्टार्टिंग थी माइक्रोवेव की वो सिर्फ मिलिट्री के लिए करने का इरादा था। लेकिन बस धीरे 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 क्या हुआ, अब देखो अब माइक्रोवेव के कितने यूज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आप जो वाईफाई यूज़ करते हो, ठीक है, टेलीविजन, कम्युनिकेशन, सेटेलाइट फोन्स, ठीक है, और मिसाइल्स, वापस से किस पे आ गए अपन, मिलिट्री ऑपरेशंस पे आ गए। मान लो यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी, सुपरसोनिक मिसाइल छोड़ते हैं, अब सुपरसोनिक मिसाइल को कहाँ जाना है, कहाँ पर ये फिलहाल है, ये कौन ट्रैकिंग के लिए काम करेंगे, तो जो ट्रैकिंग है सुपरसोनिक मिसाइल्स की वो भी किस पे बेस्ड होती है, माइक्रोवेव पे बेस्ड होती है। जो रिमोट सेंसिंग है वो भी किस पे बेस्ड है, माइक्रोवेव पे बेस्ड है। आपका मोबाइल फ़ोन, चाहे GSM हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, सबकी जो रेंज है वो अलग अलग होगी, बैंड जो होगा वो अलग अलग होगा, बाकी सब किस पे काम करते हैं, माइक्रोवेव पे काम करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन जो आपके घर में अपन हीटिंग में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका। तो सारे एप्लीकेशन अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। आपको फिलहाल नोट क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ नोट करनी है आप कि माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम क्या है, किस रीजन में अपन बात करेंगे। और बाकी ये रेडार को मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि माइक्रोवेव की ज़रूरत कहाँ पड़ी और किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसके बाद अपन बात करेंगे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की, किसके एप्लीकेशंस क्या हैं, माइक्रोवेव के एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडस्ट्री में क्या यूज है, अपने डोमेस्टिक यूज क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस में क्या यूज है, ठीक है। इवन एक और चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नुकसान क्या है, हार्मफुल है या नहीं है माइक्रोवेव, तो ऑफ कोर्स अगर आप लंबे समय तक माइक्रोवेव के एक्सपोजर में रहते हो तो ये हार्मफुल है, स्पेशली किन पार्ट्स में, जिन पार्ट्स में ब्लड जो है कम जाता है। जैसे कि अपन किसकी बात करें, अपने आइज की बात कर लें, आइज का वो पार्ट, आइज क्या होती है, आइज के अंदर ब्लड जो होता है, ब्लड का अमाउंट कम होता है, तो माइक्रोवेव क्या करता है, हीट करता है, हीट मतलब समझ रहे हो, गर्म करेगा चीज़ों को, गर्म करेगा अगर अपन माइक्रोवेव के कॉन्टेक्ट में कंटिन्यू रहते तो। अब जहाँ पे ब्लड नहीं है, जहाँ कम ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वहाँ से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो जैसे अपने आई बोल्स हैं, टेस्टिकल्स हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है किससे, माइक्रोवेव के लगातार एक्सपोजर से, ठीक है। यानी कि बॉडी पार्ट्स, वो बॉडी पार्ट जहाँ पे ब्लड कम फ्लो होता है,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आई बॉल्स हो गई, टेस्टिकल्स हो गया, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि हाँ ये हार्मफुल है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन है, घरों में माइक्रोवेव ओवन है, तो एक मिथ, मिथ का मतलब समझते हो, अफवाह। तो कुछ अफवाह भी हैं कि माइक्रोवेव ओवन में खाना खराब हो जाता है, हेल्थी नहीं होता है, तो वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। बिल्कुल, यहाँ पे फुल डेरिवेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये किसका किसका कोर कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो यहाँ पे डेरिवेशन भी पढ़ाए जाएंगे भाई। तकदीर अहमद, डेरिवेशंस पढ़ाए जाएंगे भाई यहाँ पे, है ना। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, या फिर आगे चलें अपन? प्रणाम नवीन, ऑलवेज वेलकम नवीन। तो चलो फिर अपन चलते हैं आगे अब। ओके, अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस की, और यहां से देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अभी कि माइक्रोवेव के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अब अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देखो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, तो सबसे पहला अपन बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना भाई। मोबाइल फोन बहुत ज्यादा जरूरी है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाईफाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना मूलभूत आवश्यकता हो गई है, तो ना रोटी, कपड़ा और मकान भी सेकेंडरी हो गए हैं, प्राइमरी क्या हो गया, मोबाइल फोन, है ना। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फोन में आपको पता हो तो पहले CDMA सिम और आता था, आजकल बंद हो गया है, एक GSM। तो इनके लिए जो रेंज होती थी लगभग 800 MHz से, मतलब शायद 810 से 880 MHz पे काम करता था, और GSM के लिए दो रेंज होती थी, 1710 to 1780 और 1810 to 1880 MHz में है भैया, ठीक है। अच्छा, फिर वाईफाई जरूरी है ना, ये तो वाईफाई की जो रेंज होती है बेसिकली 4.2 to 4.283
4.2 होते हैं या 4.8 के अराउंड होती है, मतलब 4.2 या 4.8, वैसे एग्जैक्ट हम याद रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ आपको गीगा हर्ट्स। और जैसे कुछ जो वाईफाई होते हैं वो 5.2 गीगा हर्ट्स टू 5.28 तक भी काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वाईफाई हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है। और अपन बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में सिर्फ मोबाइल फोन का ही काम नहीं है, सैटेलाइट का भी रोल है भाई। आपके मोबाइल फोन से सिग्नल कहाँ जाता है, नियर बाई जो उनका टावर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वहां जाता है। वहां पे जो भी है एम्पलीफाई होता है सिग्नल, सैटेलाइट तक जाता है, सैटेलाइट से वापस वो नियर बाई जो नेटवर्क का एरिया है, टावर जहाँ है वहां तक जाएगा, वहां से फिर वापस से जो सिग्नल वो डी एम्पलीफाई किया जाएगा और फिर आपके फोन तक भेजा जाता है। तो जो टावर जहाँ पे लगे होते हैं बेसिकली वहां पे एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को सैटेलाइट तक भेजने के लिए और डिस्टेंस के लिए। तो वहां पे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कहाँ पे, टावर से जो सिग्नल निकलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो मोबाइल टावर होते हैं उसके आसपास खतरा बताते हैं लोग, और इवन मोबाइल टावर के जो पास एक बोर्ड भी लगा हुआ होगा, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज है ना, ऐसे बीवेयर का, एक डेंजर का। तो वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा एनर्जी की वेव्स होती हैं, क्योंकि उनको बहुत दूर भेजना है, सैटेलाइट तक भेजना है, जबकि आपके फ़ोन से जो निकलता है वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन इतना हार्मफुल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 आवर्स फोन यूज़ करते रहेंगे, फिर भी हार्मफुल है ना, ठीक है। ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसके बाद सेकेंड अपन बात करते हैं जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ की। तो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जो पेपर फैक्ट्रीज हैं, उनमें यूज होता है टू ड्राई द पेपर। क्या काम करते हैं वो, सुखाने के काम करते हैं, टू ड्राई पेपर, पेपर सुखाने में काम आता है, ठीक है। ऐसे ही जो लेदर फैक्ट्रीज हैं वहां पे भी ये यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग जो भी पैक्ड फूड होता है वो पहले माइक्रोवेव से प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस का मतलब गुजारा जाता है, उसको माइक्रोवेव से गुजारा जाता है, उसके बाद वो पैक होता है। तो जितने भी पैक्ड फूड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, माइक्रोवेव से एक्सपोजर के बाद, यानी माइक्रोवेव से प्रोसेस करने के बाद ही आपको मिलते हैं जितने भी पैक्ड फूड जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंडस्ट्रियल यूज। फिर अपन बात करते हैं डोमेस्टिक यूज। तो डोमेस्टिक यूज में जैसे आपका मोबाइल फोन को आप डोमेस्टिक यूज में भी लिख सकते हो। बाकी सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है माइक्रोवेव ओवन का। तो माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है, तो माइक्रोवेव ओवन में वही बात है, जब आप खाना रखते हो तो ये माइक्रोवेव जनरेट करेगा। अब ये जो माइक्रोवेव है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये माइक्रोवेव क्या करती है, जो खाने का जो सामान है उसके अंदर जो आपने रखा है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, उनके साथ इंट्रैक्शन करेगा, कौन, माइक्रोवेव। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाते हैं, ओसिलेशन करने लग जाते हैं और उसकी वजह से खाना गर्म होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ओवन में जब भी आप चीज़ रखते हो, जैसे आप कचौड़ी रख के देखना, अगर है अपने घर पे रख के देखना, और अगर नहीं है तो जो कोई दुकान है वहां पे आपने देखा होगा, तो जब कचौड़ी रखोगे आप तो बाहर से इतनी गर्म नहीं होती जितनी अंदर से हो जाती है, क्योंकि अंदर क्या होता है जो मसाला होता है उसके अंदर, कचौड़ी का जो मसाला होता है, राल नहीं टपकाओगे ना, मुंह में पानी नहीं टपकाना है, तो जो मसाला होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा गर्म होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आप जैसे कोई पत्थर रख देते हो तो क्या वो गर्म हो जाएगा क्या, अगर नमी नहीं है वहाँ पे तो गर्म नहीं होगा। तो ध्यान रखना माइक्रोवेव, अच्छा ये नोटिस भी किया होगा, माइक्रोवेव ओवन अगर आपने यूज़ किया है तो जो प्लेट यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन के लिए, समझ रहे हो, मेटल प्लेट्स यूज़ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव वो चार्ज हो जाएगा, करंट का झटका लग सकता है। तो जो मोस्टली बेकेलाइट की जो प्लेटें यूज़ की जाती है, किसकी प्लेटें यूज़ की जाती है, बेकेलाइट की, तो वो प्लेट में जब आप खाना रखते हैं तो प्लेट कभी भी गर्म नहीं होती है, क्यों, वो बेकेलाइट की बनी हुई है, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो प्लेट गर्म नहीं होती है। गर्म कौन होता है, खाना गर्म होता है, और खाने में भी कौन सी चीज़ गर्म होती है, जिसके अंदर पानी है, और पानी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में होता है, समझ में आ रही मेरी बात, नमी कहीं ना कहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं होते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि जो माइक्रोवेव्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करती हैं, ओसिलेट करती हैं,
इंट्रैक्शन करती है तो वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, एक रेजोनेंस की कंडीशन बन जाती है और खाना क्या हो जाता है भैया आपका, गर्म हो जाता है। अब बताओ मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होगी माइक्रोवेव से वाटर को, एनर्जी ट्रांसफर कब होगी ज्यादा से ज्यादा, जब रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, जब रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो जो माइक्रोवेव है, जो माइक्रोवेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है माइक्रोवेव ओवन की, वो इस तरीके से चूज की जाती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, ओसिलेशन करे और रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाए, समझ गए। तो क्या होता है माइक्रोवेव जो ओवन है उसकी जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट की जाती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब ओसिलेशन करे तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाए, ताकि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो जाए किसको, माइक्रोवेव की एनर्जी किसको मिल जाए, वाटर मॉलिक्यूल को, और खाना आपका गर्म हो जाए। ठीक है, ये बात होगी माइक्रोवेव ओवन की कैसे काम करता है। अब बात करते हैं अपन कि क्या ये माइक्रोवेव का खाना अपने लिए हार्मफुल है। देन आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल गलत है ये चीज। माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया हुआ खाना कोई भी किसी भी तरीके से कोई हार्मफुल नहीं है। हो सकता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपके आता हो, ठीक है, ये तो हार्मफुल है, ये वो, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है जो खाना आप गर्म कर रहे हो, बिल्कुल भी हार्मफुल उसमें नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि सर जब अपन माइक्रोवेव में लगातार एक्सपोज होते रहते हैं, जब अपन एक्सपोज होते रहते हैं माइक्रोवेव के अंदर, तो क्या होता है अपने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन से जो लीक होता है, भाई आपने तो बंद तो कर दिया और उसके बाद चालू करते हो आप, लेकिन फिर भी मान लो बिल्कुल क्लोज सिस्टम नहीं है, आइडियली क्लोज नहीं कर सकते अपन कुछ भी, तो कुछ ना कुछ तो माइक्रोवेव लीक होता है, माइक्रोवेव्स लीक होती हैं, समझ रहे हो, बाहर आती हैं। तो क्या हमारे ऊपर हार्मफुल नहीं होगा अगर हम 5 साल से यूज कर रहे हैं? तो भी आंसर है नहीं। जितनी भी माइक्रोवेव जो कंपनियां बनाई जाती हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए जो हार्मफुल का जो लेवल है ना भाई, इतने लेवल पे हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उससे बहुत 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 कम, उससे बहुत 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 कम लेवल का लीकेज होता है। तो बहुत कम लेवल का लीकेज होता है तो कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता है अगर आप इंसान हो तो, ठीक है ना, क्योंकि इंसानों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। हाँ अगर आप एलियन हो तो हो सकता है आप पे कोई फर्क पड़ जाए, तो ध्यान रखना माइक्रोवेव ओवन पे जो आप खाना गर्म करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से मजे लेके कचौड़ियाँ खाओ, ठीक है। दुकान पे अगर माइक्रोवेव ओवन देखा होगा तो करके भी देख लेना, कुछ ऐसी मटेरियल रखना जिसके अंदर पानी कम हो, और एक ऐसा रखना साथ के साथ जिसके अंदर पानी या नमी ज़्यादा हो, तो जिसके अंदर नमी ज़्यादा है वो ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोवेव ओवन, और ये मिथ भी दूर हो गया आपका कि इसमें खाना खराब हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ खराब खाना डालोगे तो खराब ही रहेगा, है ना, ऐसा मत करना कि 2 महीने पुरानी कचौड़ी डाल दी कि सर ने बोला था माइक्रोवेव ओवन में खाना खराब नहीं होता, तो वैसी बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। तो ये हो गया डोमेस्टिक यूज। उसके बाद तो मिलिट्री यूज में क्या क्या जाएंगे, रेडार, सर्वाइवलेंस, सैटेलाइट भी तो यूज करते हैं अपन, ठीक है, एयरबोर्न रेडार, और ट्रैकिंग ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल्स, और 6 रिमोट सेंसिंग, ये है मिलिट्री यूज, ठीक है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब सबसे फाइन जो इसका एप्लीकेशन आता है वो आता है मेडिकल यूज, मेडिकल एप्लीकेशन। तो एक बात ध्यान रखना, काफी मजेदार चीज है, माइक्रोवेव के एक्सपोजर में अगर आप लंबे टाइम तक रहते हो हाई एनर्जी के लिए तो आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन माइक्रोवेव का ही यूज कैंसर के क्योर में भी किया जाता है। मींस माइक्रोवेव कैन कोज कैंसर एंड माइक्रोवेव कैन क्योर कैंसर। कैन कोज कैंसर मतलब आपको कैंसर दे सकता है, और कैन क्योर कैंसर का मतलब कैंसर ठीक कर सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। माइक्रोवेव के अंदर तो पूरा पोटेंशियल है, ये आपको कैंसर कर भी सकता है और आपका कैंसर ठीक भी कर सकता है। सवाल ये है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हो। तो माइक्रो
are used to detect cancer cell. So that microwaves या माइक्रोवेव्स यहाँ पे ना माइक्रोवेव आर यूज्ड टू क्योर कैंसर. ठीक है, तो ये आ गए इसके एप्लीकेशंस. अब ये एग्जाम में आ सकता है भाई, एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि भाई मेडिकल यूज क्या है या फिर इंडस्ट्रियल यूज क्या है. पेपर फैक्ट्री हो गई, इसको लेदर फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हो आप लेदर को सुखाने के लिए. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हो गई, पेपर फैक्ट्रीज हो गई, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस हो गए. ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ हो गया माइक्रोवेव ओवन. और इसके बारे में मैंने जो चीज़ें समझाई हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ें लिखवाऊँ भी कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है ओवन, ये लिखवाऊँ भी, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं वो चीज़ भी लिखवा दूंगा. तो जल्दी से एप्लीकेशन जो है ये नोट कर लो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. और नोट्स आप साथ के साथ बनाओ तो ये बेटर रहेगा. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और जब आप लोग ये नोट डाउन कर लो तो मुझे बताना, फिर अपन आगे चलेंगे. नोट कर रहे हो ना भाई? डाउट्स वगैरह तो आपको आते ही नहीं है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या फिर आप ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो हैं भाई. इस पर क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है. अब आजकल क्या होता है, मैथ्स में एक ही क्वेश्चन के दो या तीन पार्ट होते हैं. तो जैसे एक चार नंबर का एक पार्ट आ गया, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव्स. तो ये एप्लीकेशन आपको वहां पे लिखने हैं. हाँ, क्लिस्ट्रॉन भी पढ़ाएंगे भाई, आएंगे आगे आगे, है ना, इंतजार करो. आज आज अपन वेव गाइड स्टार्ट कर लेंगे, क्लिस्ट्रॉन भी आएगा, सब कुछ आएगा, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन भी आएगा, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन भी आएंगे. ठीक है, जायरेटर, आइसोलेटर, सब कुछ आएगा.
एस पैरामीटर्स। बस ये टॉपिक्स ही लिखने हैं, इनकी डिटेल क्या बताओगे यार। ठीक है, मोबाइल में यूज होता है बस, ठीक है। अब इसकी डिटेल क्या लिखोगे आप ये बताओ। हो गया है नोट डाउन, चलें आगे। चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। बना तो स्क्रीन पे फिलहाल आपको जो दिख रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मल जो अपने वायर्स आप बात करते हो उसमें ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करना। तो बेसिकली जो वेव गाइड है वो भी एक तरीके से स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ही है, लेकिन जो कन्वेंशनल जो ट्रांसमिशन लाइन थी उनसे थोड़ा ये अलग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, हालांकि डिफरेंस अपन जब वेवगाइड थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद डिफरेंस की बात करेंगे, लेकिन पहले अपन थोड़ा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बता देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इस कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। अब मैं आपको बहुत सारे टाइप होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के, उनकी बात कर लेता हूं। जैसे एक सिंगल कंडक्टर होता है, जैसे आपकी जो बिजली आती है घरों में, अपने खेतों में से भी जाती है, रोड पर भी। आजकल तो क्या, तो ग्राउंडेड होता है सिटी के अंदर, लेकिन गांव में अभी भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो हाई वोल्टेज की एक्सटेंशन लाइन देखी होंगी आपने। तो सिंपल क्या है, सिंपल ट्रांसमिशन लाइन है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर के थ्रू सिग्नल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ठीक है, पहली जो आप इलेक्ट्रिसिटी लाइन देखते हो। दूसरा दूसरा आपने कभी आपका जो केबल है, केबल समझ रहे हो, जैसे डिश टीवी हो गया, टाटा स्काई या फिर कोई भी लगा रखा आपने, ठीक है, उनकी बात अगर मैं करूं तो उनके अंदर क्या होता है, बीच में कंडक्टर होता है, ये कॉपर का कंडक्टर होता है। उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक होगा कोई, या प्लास्टिक की कोई कोटिंग होगी, रबर की कोटिंग होगी। इसके ऊपर वापस से एक जाली होती है, एक नेट, समझ रहे हो, जिसको मेटल ब्रेड कहते हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसे जाली सी होती है इसके ऊपर, और जाली के ऊपर वापस से क्या होता है, प्लास्टिक का कवर यानी कि, या रबर का कवर यानी कि इंसुलेटर होता है। सेंटर में एक कंडक्टर है,
उसके बाद क्या है, एक इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर के बाद वापस से मेटल ब्रेड, नोट की होगी कंपनी इसके में देखना, अगर नहीं भी की है तो घरों में डीटीएच केबल वेबल सब है, उसके वायर को आज थोड़ा निकाल के देखना, उसके साइड में एक जाली मिलेगी आपको। जितने लोगों ने देखा है वो कमेंट करो कि हाँ सर हमने देखा है, जितने लोगों ने नहीं देखा है वो या तो आज जाके देख लेना, वरना कल मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा दूंगा, उसकी जो है इमेज दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, और अगर अपन थोड़ा सा जाएं तो ट्रांसमिशन लाइन में डबल कंडक्टर भी आ जाता है, मतलब एक कंडक्टर, उसके बाद एक इंसुलेटर की लेयर, उसके बाद दूसरा कंडक्टर, और उसके बाद इसके ऊपर एक और इंसुलेटर की लेयर। तो मतलब ये क्या हो गया, सेंट्रल कंडक्टर हो गया, उसके बाद इंसुलेटर हो गया, उसके बाद वापस से कौन आ गया, सेकंड कंडक्टर आ गया, और फिर वापस से इंसुलेटर आ गया, ठीक है। और कई बार इसके ऊपर क्या हो जाती है, मेटल ब्रेड आ जाती है फिर, यानी कि वो जाली आ जाती है, और उसके बाद फिर फाइनल कवर लगाया जाता है। तो ये बेसिक जो आपके ट्रांसमिशन लाइन्स है उनका एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब जो आपकी जो कन्वेंशनल, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी लाइन की बात करें, तो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 50 हर्ट्ज की होती है, अगर अपन यूएस, ये इंडिया की बात है, यूएसए की बात करें तो कितना होता है, 60 हर्ट्ज। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रेडिशनल है या कन्वेंशनल जो लाइन है वो यूज करना बेटर है। लेकिन अगर अपन किसकी बात करें, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, वेव गाइड। अब वेव गाइड क्या होता है वो बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली वेव गाइड भी क्या है, वेव गाइड इज ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कि कहाँ यूज करते हैं, हायर फ्रिक्वेंसीज पे यूज करते हैं। तो देखो, अगर अपने को छोटे रीजन में, जैसे एक लैब के अंदर, एक लैब है उस लैब के अंदर यहां से वहां आपस में सिग्नल भेजना है, तो ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा बेटर रहेगी या वेव गाइड ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, अगर आपको हाई एनर्जी का सिग्नल भेजना है तो फॉर स्मॉल रीजन क्या बेटर रहेगा, वेव गाइड, ठीक है। लेकिन अगर अपन लार्ज रीजन्स की बात करें, बहुत ज्यादा दूर भेजना है, उस टाइम वेव गाइड यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यूज नहीं किया जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया आएगा, जो कवर करेगा एरिया, वो बहुत ज्यादा होगा, प्लस ये कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो जनरली वेव गाइड का यूज लिमिटेड रह जाता है, एक लिमिटेड स्पेस में ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिग्नल आपके घर से जयपुर भेजा जा रहा है, जयपुर से दिल्ली भेजा जा रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वेव गाइड यूज नहीं किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस्टली पड़ते हैं, ये एरिया बहुत ज्यादा कवर करते हैं। तो ये मेन मेन स्ट्रीम, अगर मैं इनके एप्लीकेशन की बात करूं वेव गाइड की, तो कब है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल जब फ्रीक्वेंसीज की अपन बात करते हैं तो अपनी नॉर्मल जो कन्वेंशनल लाइन है वो यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए भैया कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है। अब ये सब डायग्राम आपको नहीं बनानी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है, उसके बाद क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, इमेज है वहां पे, और इमेज में देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे फर्स्ट है इसमें एक नोक निकली हुई है यहाँ पे, जो सबसे फर्स्ट है ऊपर ही ऊपर, ये क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। नीचे माइक्रो स्ट्रिप है जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, और आगे की तरफ क्या है, अपने वेव गाइड्स हैं, क्या है, वेव गाइड्स हैं। तो वेव गाइड अपन बताएंगे क्या होते हैं, तो मैं पहले उस इमेज को ऑफ कर देता हूँ और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करेंगे अपन किसकी, वेव गाइड की। ठीक है, जहां तक अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, मैं इमेज हटा देता हूँ, कमेंट्स भी देख लेता हूँ आप लोगों के।
देखा है, ठीक है, कमलेश ने भी देखा है, ज्यादातर लोगों ने देखा है, जितने लोग लेक्चर ले रहे हैं तो उन्होंने मेटल ब्लेड देखा हुआ है भाई, है ना। तो वो क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है। तो चलो अब अपन आगे चलते हैं, किसके ऊपर बात करेंगे अब अपन, वेव गाइड के ऊपर बात करेंगे कि वेव गाइड क्या है। तो देखो इधर, रेक्ट एंगुलर और सर्कुलर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मेटेलिक ट्यूब्स, मेटेलिक ट्यूब्स, और इट विल बी बेटर इफ यू राइट होलो, होलो यानी खोखली होंगी ये, होलो लिखना जरूरी है भैया ना। हाँ, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होलो मेटेलिक ट्यूब्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर द एनर्जी, टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड वेव गाइड। देखो नाम से भी पता चल रहा है, वेव और वेव को गाइड कर रहा है, गाइड का मतलब जो ले जाता है आपको आगे, है ना। तो वेव गाइड, गाइड मतलब गाइड आपको बता देता है, आपकी मदद कर सकता है, खुद तो जा नहीं सकता, खुद उसके मरने से तो स्वर्ग मिलेगा नहीं आपको, जैसे कोई पढ़ा रहा है आपको तो वो भी आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, बाकी मरना तो आपको ही पड़ेगा अगर आपको स्वर्ग जाना है तो। ये क्या है, गाइड करता है, क्या है बेसिकली, होलो मेटेलिक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर, यानी कि मैं एक बात करूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो, तो ये क्या एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक ट्यूब है। अगर आप फ्रेम नहीं लेना चाहते तो सिर्फ मेटेलिक बना देता हूं मैं, समझ रहे हो, ये क्या है एक मेटेलिक ट्यूब है, मतलब किसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, रेक्टेंगल है, तो ये क्या है एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, या फिर इसे डॉट डॉट बना लो तो ज्यादा लगेगा, बढ़िया लगेगा ना, रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ऐसे अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लूं, सर्कुलर ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल, सिलेंडर बन गया ना ये, तो ये क्या बन जाएगा, सिलिंड्रिकल वेव गाइड। तो ये क्या है, इसकी दीवारें किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की बनी हुई है, ये दीवारें किसकी बनी हुई है, इसकी कंडक्टर की है, अंदर से ये होलो है, अंदर से खोखला है, दीवारें किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की, और अंदर से खोखला है। ध्यान रखना ये एंड और ये एंड क्लोज नहीं है, ओपन है, ये ओपन है, ध्यान रखना। तो इसके चार दीवारें हैं, दो टॉप और दो साइड वॉल्स, एक टॉप एक बॉटम और दो साइड वॉल्स, ये और ये बंद नहीं है, अगर इसको बंद कर दोगे तो भैया ये कैविटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैविटी यार, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, तो ये और ये ओपन है, मतलब तभी तो यहां से जाएगा वहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो सेम समझ गए किस तरीके से वेव गाइड है, आपके दो वेव गाइड हो गए, एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड, एक सिलिंड्रिकल वेव गाइड। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेव गाइड इज रेक्टेंगल, देन इट्स रेक्टेंगुलर वेव गाइड, एंड इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेव गाइड इज सर्कुलर, देन इट इज सिलिंड्रिकल वेव गाइड, ठीक है, या फिर कई बार इसको सर्कुलर वेव गाइड भी लिख देते हैं, समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद जब इसमें वेव प्रोपागेट करती है तो मोड्स होते हैं,
मोड, अलग अलग मोड होते हैं प्रोपागेशन के। तो एक मोड होता है टीई मोड, टीई मोड स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, टी का मतलब ट्रांसवर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो इसमें क्या है, इफ या इन दिस मोड, इन दिस मोड, तो आप इससे पहले ऊपर डाल सकते हो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन फॉर माइक्रोवेव्स, यानी कि माइक्रोवेव के प्रोपगेशन के लिए तीन टाइप के मोड पॉसिबल हैं, और उसमें पहला आता है टीई मोड। अब ये क्या है वो ही बता रहे हैं, टीई का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। तो इन दिस मोड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज जीरो, यानी कि जिस साइड में वेव जा रही है उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, लेट वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड कैप, देन शायद नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, देन ई जेड इक्वल टू जीरो फॉर टीई मोड। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ये होता है टीई मोड। उसके बाद अगला आता है टीएम मोड, टीएम का मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, मतलब इस बार ट्रांसवर्स कौन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरफ वेव जा रही है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन जीरो हो जाएगा, बी जेड या फिर एच जेड जीरो हो जाएगा, बी जेड या फिर एच जेड जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टीई एम मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसवर्स है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिधर वेव प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा। इसका मतलब अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो ई जेड भी जीरो होगा और बी जेड भी जीरो होगा। तो यहां से आपको तीनों मोड समझ में आ गए होंगे, एक मोड मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है, बाकी दो मोड भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नोट कर लो, उसके बाद अपन टीएम मोड और टीईएम मोड लिखवाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इनकी अलग अलग डेफिनेशन लिखवाएंगे आगे, तो यहाँ आप टेंशन मत लो कि सर इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, इनको सेपरेट पढ़ेंगे, इनके अंदर जितने भी रिलेशन है सबका डेरिवेशन पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। माइक्रोवेव की क्लासेज ऑलमोस्ट 5 to 7 days रहेंगी, रोज 130 hours की, मतलब 1.5 घंटे की क्लास होगी, बाकी की जो क्लासेज है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे होंगी।
एप्लीकेशन पर क्लासेस का जो टाइम है वो सभी क्लासेस का अलग अलग है। बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, सीएसआईआर नेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, आईआईटी जेम के लिए चल रही हैं, ठीक है। तो क्लासेस का और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है टाइम, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे जो है रोज़ टाइम टेबल जो है अपडेट कर दिया जाता है। और जब लाइव होती है एप्लीकेशन पर क्लास तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आता है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई फोटो पोस्ट करते हो, फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हो, तो जब कोई लाइक करता है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आता है। ऐसे ही अपने ऐप पर भी जब भी कोई क्लास लाइव होती है तो तुरंत नोटिफिकेशन आता है, लेकिन दोनों में फर्क है। इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो आप तुरंत खोल के देखते हो, अपने जो क्लास का एप्लीकेशन है उसके जो नोटिफिकेशन है वो आप तुरंत खोल के नहीं देखते हो, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी नोटिफिकेशन आता है भैया ना। चलें आगे, यहां तक नोट कर लिया शुभम? माइक्रोवेव की ऑलमोस्ट 5 to 7 क्लासेस होंगी यूट्यूब के ऊपर, बाकी की क्लासेस जो हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर होंगी। तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आप कॉल कर लेना, अभी मैं नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, ये अंकित सर का नंबर है, ये भी आपको बता देंगे, और मैं मेरा नंबर भी जो है बता देता हूँ आपको। यहाँ तक नोट कर लीजिए, लेकिन आप एक बार बात जरूर करना, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन पे हो रही है तो बाकी सब चीज़ें मतलब आपके फेवर में नहीं है, एक बार आप बात जरूर करना, क्योंकि बात करने के पैसे नहीं लगते हैं ना, पूछने में कुछ नहीं लगता है, तो आप कांटेक्ट जरूर करना जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलें आगे, नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखिए भाई किसकी बात कर रहे हैं, टीएम मोड की। टीएम का मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, इसका क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव इज जीरो, लेट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग जेड,
then bz या फिर आप लिख सकते हो एच जेड। एच क्या होता है? बी अपॉन म्यू, तो ये जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया टी टी एम मोड। इसके बाद अपन बात करेंगे टी ई एम मोड। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव जीरो कॉम्पोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। इसका मतलब बी जेड ई जेड दोनों जीरो फॉर वेव ट्रेवलिंग अलोंग जेड कैप। तो यहां से आपके तीनों मोड जो हैं क्लियर हो गए होंगे। ये आप नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको एप्लीकेशन की जो और कोर्सेज चल रहे हैं उनकी थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ, अपनी यूट्यूब चैनल की और एप्लीकेशंस की, है ना। तो जो अपना यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट है ये बिल्कुल सीएसआईआर नेट आईआईटी जेएम के लिए कंप्लीट फ्री है ये, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। वेक्टर एलजेब्रा ये भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसके 16 लेक्चर्स अवेलेबल। क्वांटम किसके लिए? नेट जैम के लिए, इसके 6 से लेके 8 साइज 6 या 8 लेक्चर अवेलेबल हैं। एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके 2 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और बीएससी बहुत ही बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लगभग 200 के आसपास लेक्चर होंगे बीएससी के। अब एप्लीकेशन पे जो अपने कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट एमएससी के लिए चल रहा है। तो फिलहाल जैसे वहाँ पे क्वांटम चल रहा है, ईडी चल रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। अब क्या है, अब बात आती है कि अपन बात करें फी की। तो जो फी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, देखो 16 लेक्चर तो यहाँ है, बाकी बचे हुए लेक्चर अपने एप्लीकेशन पे हैं, उसकी फीस है सिर्फ 500 रुपीज। और आप ये लेक्चर्स देखो, अगर आपको लगे कि क्वालिटी अच्छी है तो ही आप बाय करो, वरना देखो ऑलमोस्ट 30K के आसपास फी होती है नेट की, ठीक है। और ईटी सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है, लेकिन 16 हैं, बाकी लेक्चर सिर्फ 500 रुपीज़ में है ईटी के लिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ पर पेपर है, ठीक है। और जैम नेट की फीस 7000 रुपीज़ है टोटल। कब तक? आज लास्ट है 10 बजे तक, 10 PM तक। कल से 1 दिसंबर से सारी फी रिवाइज हो जाएंगी, तो ईटी की फीस 1000 हो जाएगी पर पेपर। अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 तक वेरी करेगा ये। और टोटल जो फीस है नेट जैम की वो होगी 10,000 1 दिसंबर से। जो है फी जितनी भी है वो सारी रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा एक और चीज, ये जो फी है टोटल कोर्स, यानी कि लगभग सिर्फ कितना ले रहे हैं, 30%, मतलब तीसरा हिस्सा ही है फी का, उसमें भी आप कोर्स ज्वाइन करो। इवन आपको अगर 10 दिन बाद भी ऐसा लगता है, 10 डेज के बाद भी ऐसा लगता है कि सर आपका जो कोर्स है वो वर्दी नहीं है और हमें फायदा नहीं हो रहा इससे, तो आपका फुल रिफंड कर दिया जाएगा, फुल रिफंड, 1 भी रुपए नहीं काटा जाएगा, क्योंकि हमें हमारे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, बेवकूफ नहीं बनाना है हमें बच्चों को। इवन 10 दिन, और 10 दिन बहुत होते हैं, आप 10 दिन में तो मान लो कोई भी कोर्स है बहुत सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के 10 दिन बाद तक हम आपको फुल रिफंड दे देंगे।
अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो, ठीक है। और बाकी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 8426894451। इन कोर्सेज के लिए जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए डाउट सेक्शन अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी है, डाउट आप वहाँ पर भी डाल सकते हो ताकि मैं अगले दिन लाइव क्लास में डिस्कस कर लूँ। आप मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम, किसी भी चीज़ कॉल, इवन कॉल करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एटलीस्ट बात कीजिए, ठीक है। क्योंकि टीवी में ऐड आता था ना, पूछने में क्या जाता है, क्योंकि पूछने में, इंक्वायर करने में कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की तो जरूर बात करो। क्योंकि देखो मैंने अभी कहा है, अगर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप लोग अपने खुद से नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप खुद से भी कर सकते हो, बट स्मूथ हो जाएगा अगर आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो स्मूथ हो जाएगा चीजें समझने में। आप वही चीजें जो समझोगे आपको खुद से करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप लेक्चर्स ये एक्सेस करो और आपको लगे कि हाँ ठीक है, बेटर है, रिव्यूज वगैरह देख सकते हो आप आराम से, और बाकी जो बच्चों ने ले रखे हैं उनसे बात कर सकते हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तब जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, और उसके बाद भी लगभग 10 दिन तक हमारी गारंटी है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है 6 महीने बाद बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, 6 महीने बाद तक तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी डिटेल्स थी, कोर्स डिटेल्स। और माइक्रोवेव कल भी 2:30 बजे होगा, यूट्यूब पे ही होगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे, बाकी अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड स्टार्ट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में किस तरीके के सॉल्यूशन मिलेंगे फील्ड के, वो सब डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो कल मिलते हैं, अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी तरीके का आप पूछ सकते हो। तो ये नोट कर लो आप जल्दी से कि टीएम मोड क्या होता है और टीईएम मोड क्या होता है। जो एमएससी की जो फी रहेगी, ये मोड का यूज कैसे करते हैं ये आगे आएगा। हैं भाई, अभी जब अपन वेवगाइड जब अपन स्टार्ट कर देंगे तब मोड की बात करेंगे। टी मोड के लिए अलग सॉल्यूशंस आएंगे, टीएम मोड के लिए अलग सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कल तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ, टेक केयर।